तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं एडवर इकबाल एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। एक बहुत खूबसूरत गज़ल, होंठों से छू लो तू मेरा गीत अमर कर दो, जिसे जगजीत सिंह, पंकज उदास और बहुत सारे फनकारों ने गाया है। तो आज इस गज़ल के ऊपर ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा, जो यकीन आप सबको पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स कर लें। तो अभी हम शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो ये जो गज़ल है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ये राग एमन में है। राग एमन सात सुर का राग है और ये कल्याण ठाट से राग एमन निकला है। इसका वादी सुर गा है और संवादी नी है। शाम का पहला पहर इस राग को गाने का है। वैसे जब मर्जी भी गा सकते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्गों ने, उस्तादों ने टाइम मुकर्रर किया है वो इसका शाम का है। बहुत खूबसूरत राग है, बहुत सारी कंपोजिशन इसमें कंपोज की गई हैं, जिसमें से एक ये जो गज़ल है ये भी इसी राग में है, राग एमन में। तो पहले बजाने से पहले, सिखाने से पहले इसकी सरगम जान लेते हैं हमेशा की तरह, ताकि आपको बजाने में, सीखने में आसानी हो। थ्री फिंगर से इसको बजाएंगे और ये बांसुरी जो है ये सी मीटर की बांसुरी है, ठीक है। तो इसका जो सा है वो थ्री फिंगर पे होगा, सा रे गा मा, यानी कि सारी ओपन उठानी है, हाफ नोट नहीं लगेगा। अगर यही सरगम करते सा रे गा मा, यहाँ पे हाफ नोट लगता तो ये बन जाना था बुलावल। बुलावल और एमन में यही फ़र्क है कि बुलावल में कोमल मा लगता है और एमन में तीव्र मा लगता है। तो हम फिर शुरू करते हैं, सा रे गा मा, सारी फिंगर क्रॉस, पा धा नी सा, ये थी असेंडिंग और डिसेंडिंग, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो शुरू करते हैं, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। लफ्ज ये ट्यूटोरियल सिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो बजाने में। होंठों ये अब यहाँ पे कौन से सुर लगेंगे, गारे गारे, होंठों गारे गारे। अब होंठों से वहां पे आएगा सा से पे, सा से सा। अब आएगा होंठों से गारे गारे सा, छोलो तुम ली। अब इतना इकट्ठा करता हूँ, होंठों से छोलो तुम गारे गारे सा, सारे सानी। अब जाकर दिखाता हूँ, अब नेक्स्ट जो लाइन है, मेरा गीत अमर कर दो। अब मेरा नी सा गीत सारे रे रे दो बार अमर कर दो, सागा रे सा
सागा बजाऊंगा ताकि आपको समझ आए। बन जा, अगली जो लाइन है वो भी सेम यही इंट्यूशन बजेगी, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं अब डायरेक्ट अंतरे पे जाऊंगा। अंतरे के बोल कुछ यूं हैं, आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में। अब आकाश का ये कैसे बजेगा, कौन से सुर बजेंगे? गा गामा पा पा पा, गामा पा पा पा, आकाश का, फिर बता रहा हूँ, गामा पा पा पा, आकाश का सुनापन माधा पा मागा, माधा पा मागा, माधा पा मागा कैसे बजेगा? ये देखिए मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, मा धा पा मा गा, फिर आकाश का सुनापन गामा पा 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 मा धा पा मा गा, ये इतना हुआ आकाश का सुनापन। अब आ गया मेरे तन्हा गामा पा मेरे गामा पा, देखिए मेरे कैसे बजेगा, मे गामा पा तन्हा मन में, सुन तन्हा मन में। अब ये तन्हा मन में ये कैसे बजेगा? पापा गरी सारे गा, फिर पापा दो बार, पापा गरी सारे गा तन, ये पापा तन हा गरी सा मन में रे गा, जब इसको क्या करेंगे, तन्हा मन में पापा गरे सारे गा। अगली जो लाइन है, पायल छन काती तुम, ये भी लाइन सेम है, यही न्यूट्रिशन बजेगी, तो फिर उसके बाद अस्थाई रिपीट की जाएगी। बन जाओ जो उसकी शायरी के जो दोबारा स्थाई में आना है, तो सेम वही न्यूट्रिशन बजेगी। दोस्तों यकीनन आपको आज की जो गज़ल है बहुत खूबसूरत, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बहुत मशहूर कंपोजिशन है, तो आपको यकीनन मेरा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बनाऊं, ये भी एक रिक्वेस्ट थी, तो
आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। अगर आप मज़ीद पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे या स्काइप पे, तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03464430114। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना। गॉड ब्लेस यू।